बच्चों एक बार फिर हम हाजिर हैं पार्ट टू लेकर के बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा चैप्टर का, जिसके अंतर्गत हमने पहले ही बताया था आपको, हम पढ़ेंगे कि इटली में नगरों का उदय या फिर पुनरुत्थान, इटली में नगरों का पुनरुत्थान, ठीक, इटली में नगर जो थे वो दोबारा से कैसे उन्नति कर गए, तरक्की कर गए, इसको हम समझेंगे। तो 14वीं शताब्दी की जानकारी, 14 सेंचुरी जो है उसी कालखंड से शुरुआत होती है नगरों के पुनरुदय की, क्योंकि हमने देखा 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक के कालखंड में नगरों की उन्नति तेजी से हुई, भारी संख्या में नगरों की वृद्धि जो हुई, नगरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। तो ये जो हम देख रहे हैं, अगर हम 14वीं शताब्दी की बात करें तो 14वीं शताब्दी के जानकारी के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन एवं साक्ष्य उपलब्ध हैं। वो साक्ष्य किस प्रकार के हैं, जानकारी के लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं वो कौन से हैं, वो सब सामग्रियां हैं जो हैं वो लिखित हैं, काफी हद तक लिखित सामग्री है, दस्तावेज हैं, लिखित दस्तावेज, और उसके साथ साथ मुद्रित पुस्तकें हैं, मुद्रित पुस्तकें, मुद्रित पुस्तकों के साथ मूर्तियां, भवन तथा वस्तु, ठीक, एटसेट्रा, ठीक। तो बच्चों 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का जो काल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि नगरों का उत्थान तेजी से हुआ है, उस समय के या उस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ लिखित सामग्री है, दस्तावेज है, मुद्रित पुस्तकें हैं, मूर्तियां हैं, भवन है, वस्त्र है, यानी कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ दैट टाइम हिस्ट्री, उस समय के इतिहास के ये स्रोत है, सोर्स है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों में ये जो है वो ये सारी चीजें यूरोप व अमेरिका के अभिलेखागारों में जहां पर अभिलेख रखे जा रहे हैं, ठीक है, कारागार यानी बंदी रखने वाला, अभिलेखागार यानी अभिलेखों को संरक्षित करके रखने वाले, अभिलेखागारों का मान कला चित्रशालाओं में तथा संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हैं। ले चलेंगे आपको कभी अमेरिका टहलाने, तब दिखाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप यही पढ़िए और इमेजिन कीजिए कि आप अमेरिका में हैं और साथ ही साथ यूरोप के किसी बड़े म्यूजियम में टहल रहे हैं। आंख बंद करिए, कल्पना कीजिए, सोचिए, आप देख रहे हैं कुछ किताबें हैं, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ वस्त्र पुराने रखे हुए हैं, तो सारी चीजें आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं। इमेजिन करने में कौन सा टिकट लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, करिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है, जिनसे हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या इतिहास रहा है इसको देखते हैं। तो इस समय उन्नीसवीं सदी के इतिहासकारों ने, जो हिस्टोरियंस हुए हैं 19 सेंचुरी में, उन्होंने उस कालखंड के बारे में लिखा है, क्या लिखा है इतिहासकारों ने, रेनेसा रेनेसा शब्द का प्रयोग किया है, रेनेशा, ठीक, रेनेसा शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब था सांस्कृतिक परिवर्तन। अच्छा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या था,
बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन। तो 14वीं शताब्दी का जो इतिहास है, जो स्रोत है, उनको अध्ययन करने के बाद 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने उस कालखंड के लिए रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। किस कालखंड के लिए? 14वीं सेंचुरी। ठीक, समझ में आ गया, उम्मीद है आ गया होगा कि 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है, जिस समय वहां पर नगरों का उत्थान हो रहा होता है, उस काल को आधुनिक काल के इतिहासकार कहते हैं कि वो रेनेसा टाइम था। रेनेसा का मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन का समय रहा। बर्कहार्ट महोदय ने उन्होंने एक पुस्तक लिखी। बर्कहार्ट महोदय की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी पूछी जा सकती है, जिसको आप लोगों को याद ही रखना होगा चाहे भूल जाए। कैसे लिखे? नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द इटली रेनेसा इन इटली ठीक। ये पुस्तक मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा नोट करके रखना पड़ता है, क्योंकि कई सारी किताबें हैं दूसरी की जगह तीसरी चिपका दिया है, आपको दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, फिर आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे कि सर ने तो ये पढ़ाया। तो इसीलिए थोड़ा सा किताबों के मामले में थोड़ा रहना चाहिए अवेयर, और कोशिश करनी चाहिए कि इसको नोट डाउन करके रखा जाए, ताकि बीच में कभी समस्या ना पैदा हो। तो ये पुस्तक लिखी बर्कहार्ट महोदय ने, जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, ये पुस्तक का नाम है इनके। इसके अंतर्गत लिखा गया कि मानवतावादी संस्कृति कैसे पनपी, मतलब यह है कि इससे पहले जो था एक शोषणकारी प्रवृत्ति चल रही है, लेकिन इस पुस्तक में यह बताया गया कि 14वीं शताब्दी में जो रेनेसा का काल है, पुनर्जागरण का काल है, जिस समय ईसाई धर्म दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, यानी कि कैथोलिक जो धर्म चर्च था उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, तो कैसे एक मानवतावादी दृष्टिकोण पूरे समाज में बना कि मानव का कल्याण सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भूखा न मरे, कोई प्यासा न रहे, सबके पास आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो, बेसिक नीड्स जो है वो सबकी पूरी हो, ये परंपरा जो है वो कैसे पनपी, वो इस पुस्तक में बताया है बर्कहार्ट महोदय ने, कब 14वीं शताब्दी में पनपी उसके बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इटली के नगरों का पुनरुत्थान, मेन टॉपिक ये हमारा, यानी इटली से संबंधित अगर नगरों के बारे में व्यवस्था जाननी है और डीप में जाननी है, तो उसके लिए हमको वो बुक पढ़नी पड़ेगी, बर्कहार्ट महोदय की। तो पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद ठीक, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसका पतन हो गया, तो पतन के बाद इटली के राजनैतिक सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इनका जो था विनाश हो गया, जिसके इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब यहां कोई सार्वभौम सत्ता नहीं रह गई, यानी कोई ऐसी एम्पायरशिप, एम्पायरमेंट या कोई पावर कह लीजिए, जिसके अधीन सब संगठित होकर रह सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई। तो होता क्या है,
पोप ऐसा होता था जो अपने राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था, यानी कि पोप का जो क्षेत्र होता था अपना उस पर उसका थोड़ा सा चलता था, दबाव था, बाकी जो क्षेत्र थे वहां पर किसी का, किसी बड़ी शक्ति का कोई दबाव नहीं था। क्षेत्रीय जो है शासक हावी थे या क्षेत्रीय रजवाड़े जो थे उन्होंने अपने उसको कब्जे में ले लिया था, अपने हिसाब से व्यवस्था को चला रहे थे, एक कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। साथ ही सामंती संबंधों, सामंती संबंधों में एकीकरण हुआ, ठीक। यहां तक स्थिति पहुंची इंडिया में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं, कोई जो है बड़ी पावरशिप एनवायरमेंट नहीं, कोई शक्ति नहीं जो सबको नियंत्रित करके चले, बस पोप थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र को कंट्रोल में करके चला रहे हैं। इसी कालखंड में जो सामंत थे अलग अलग बटे हुए थे छोटे छोटे, उनका एकीकरण हुआ, बड़े बड़े विभाग बनाए गए और सबको फिर बाद में पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग उनका उनका टुकड़ा दे दिया गया, यानी कि अब एक तरह से फिर से नई संरचना तैयार की जा रही है सामंतवादी व्यवस्था की। पहले जो चीज व्यक्ति का था वो व्यक्ति राजा से कनेक्टेड था, अब क्या हो रहा है वो लोग अपने आप में एकजुट हो रहे हैं और एक कोई मुखिया बन जा रहा है, वो सबके ऊपर कंट्रोल कर रहा है क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल लेवल पर। ये एकीकरण हुआ और साथ ही साथ इस्लाम ही एक साझी संस्कृति का निर्माण कर रहा था। इसी समय क्या क्या हो रहा था, यहाँ पर जब कोई सत्ता नहीं रह गई तो हुआ क्या कि पोप अपने क्षेत्र का मालिक हो गया, छोटे छोटे जो टुकड़े में बटे हुए थे सामंत वो इटली के चर्च के नेतृत्व में, इटली में जो चर्च थे उनके नेतृत्व में सभी एक हो गए, कि उन्होंने बताया कि सब भाई भाई हो, किसी का कोई दुश्मन नहीं है, सब एक साथ रहोगे ना वगैरह समझाया गया और फिर उनका एकीकरण हुआ। एकीकरण के बाद एक संगठित संरचना छोटे स्तर पर बनकर तैयार हुई। इसी के साथ जो इस्लाम था अपनी सांझी संस्कृति का निर्माण कर रहा था। सांझी संस्कृति का निर्माण मतलब जो जहां जा रहा था वहां की संस्कृति, वहां की व्यवस्था को देख रहा था इस्लाम धर्म या इस्लाम के मानने वाले लोग, और जो चीजें अच्छी होती थी अपने में आशीर्वाद करते थे, एक्सेप्ट करते थे, यानी कि एक साझी संस्कृति का विकास वो लोग कर रहे थे, यानी उनका जो कल्चर था और जो दूसरों का कल्चर था उसका साझा विकास हो रहा था, निर्माण हो रहा था। इस समय इटली अब हम लोग आ गए हैं मूल बिंदु पर, स्थिति वहां की क्या है यह हमने देख लिया। अब इस स्थिति के बाद इस समय इटली एक अनेक टुकड़ों में बटा था, ठीक। इस समय की स्थिति क्या है, अनेक टुकड़ों में बटा। अब हम लोग अपने मूल बिंदु पर आ रहे हैं कि कैसे नगरों का उत्थान हो गया। बटा था इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ठीक है, मैंने बताया कि अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था और इन अलग अलग टुकड़ों में पुनरुत्थान के प्रयास आरंभ किए गए, ठीक। पुनरुत्थान के प्रयास जो है वो आरंभ किए गए और इनके परिणाम स्वरूप छोटा क्षेत्र होता था, जैसे ये है छोटा छोटा, तो किसी भी डेवलपमेंट को यहाँ पर कर पाना आसान है, जब ये पूरा बड़ा हो जाता है तो यहाँ से शुरू कीजिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इटली टुकड़ों में बटा था, यही कारण था कि वहाँ पर अलग अलग नगरों का उदय हुआ क्षेत्रीय स्तर पर और उसका पुनः तेजी से पुनरुत्थान आरंभ हुआ, क्योंकि पहले जो रोमन साम्राज्य था उस समय तो इटली उसका सेंटर था, इटली बहुत विकसित था, लेकिन धीरे धीरे पतन हो गया। पतन के बाद जो स्थिति बनी
वो थी पुनरुत्थान की स्थिति, दोबारा से उत्थान आरंभ हुआ, इसीलिए हम इसको पुनरुत्थान की संज्ञा के साथ पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बस, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन सारे वीडियोस, इस वीडियो को दो बार देखिएगा समझ जाएगा, थोड़ा सा बुक से पढ़िएगा सब समझ जाएगा। ठीक, अब इसका थोड़ा सा और आगे का जो स्वरूप है वो है बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के मध्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य व इस्लामी देशों के मध्य व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने के कारण इटली के जो तटवर्ती क्षेत्र थे, क्योंकि इनको और इनको व्यापार करने के लिए इटली के तटों का प्रयोग करना पड़ता था, तो इटली के तटीय क्षेत्र इटली के लिए बंदरगाह, जो तटीय बंदरगाह थे वे पुनर्जीवित हो उठे, पुनर्जीवित हो उठे, फिर से जी उठे, पुनर्जीवित हो उठे। क्यों? क्योंकि उनका प्रयोग आरंभ हो गया, प्रयोग आरंभ हो जाने से वहां पर वस्तुओं की आवाजाही और जो क्षेत्र उसका मालिक है, जो देश उसका मालिक है, उसको आर्थिक समृद्धि का मौका मिला, फायदा हुआ उसका, आर्थिक लाभ हुआ। 12वीं सदी में जब मंगोलों ने, एक चीज और थी 14वीं शताब्दी में विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ व्यापार आरंभ किया तो व्यापार का किस मार्ग से आरंभ किया था, आप लोगों को पहले से पता है, वो मार्ग था रेशम मार्ग। ठीक है, याद रखिएगा रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका नाम जरूर आता है। तो रेशम मार्ग से जब व्यापार आरंभ किया तो इसके बाद दक्षिणी यूरोपीय देश जो थे, दक्षिणी यूरोपीय देशों में व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक, बढ़ावा मिला, दक्षिणी यूरोपीय देश जो थे उनमें व्यापार को बढ़ावा मिला, जिनमें से इटली भी एक था। यही कारण था कि इनका पुनरुत्थान सुनिश्चित हुआ। ठीक, शहर शक्तिशाली साम्राज्यों का, चलिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, थोड़ा सा मुश्किल है और आमने सामने नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है समझा पाने में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं अथवा नहीं, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ जो भी चीजें संभव उतना करने की। तो आगे, शहर स्वयं को, अब क्या हो रहा है कि व्यापार मंगोलों के व्यापार से, अरब वासियों के व्यापार से, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों के व्यापार से, दक्षिणी क्षेत्र के व्यापार से, इन सभी व्यापारिक व्यवस्थाओं के कारण पहले जो साम्राज्य पतित हो गया था, जिसका पतन हो गया था, रोमन साम्राज्य, इटली के शहर जो थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन सभी में पुनः जान लौटी, व्यापारिक गतिविधियां आरंभ हुई और वो फिर से फलने फूलने लगे। और यही कारण था कि जो शहर थे, शहर वे स्वयं को किसी शक्तिशाली सत्ता का अंग ना मानकर स्वयं उसको शक्तिशाली सत्ता का अंग ना मानकर स्वयं को एक स्वतंत्र नगर मानते थे। ठीक, यानी ये फ्री अपने आप को समझते थे, किसी सत्ता का अंग अपने आप को नहीं मानते थे।
देखिए इटली के शहरों के पुनरुत्थान की रूपरेखा आपने जब समझी तो उसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि व्यापारिक व्यवस्थाओं का विकास, औद्योगिकरण हुआ क्षेत्रों के आसपास और उनके कारण इटली के नगरों में दोबारा से जान हुई, जान वापस आई और उसके साथ ही साथ इनके शहरों ने अपने आप को किसी सत्ता के अधीन ना मानकर बल्कि स्वयं को एक स्वतंत्र नगर के रूप में मानना आरंभ कर दिया। ये जो शहर थे इनमें से महत्वपूर्ण शहर इटली के कौन कौन से थे जो विकसित हुए व्यापारिक व्यवस्थाओं के कारण उन्नति की पुनरुत्थान किया, ये थे फ्लोरेंस, ठीक पहले ही आप देख चुके हैं, फ्लोरेंस, वेनिस, ये दोनों सबसे ज्यादा उन्नति करते हैं, ये गणराज्य थे, ठीक ये अपनी सत्ता अपने हिसाब से चलाने लगे थे, गणराज्य थे, साथ ही कई दरबारी नगर भी उदित हुए। ऐसा नहीं था कि जितने भी नगर थे वो सब स्वतंत्र ही हो गए, ये दोनों थे गणराज्य थे, अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते थे। कुछ शहर ऐसे भी थे जो स्वयं को राज्य का या दरबारी नगर में कहा जाए, कुछ दरबारी नगर भी थे, ठीक है इसी समय कुछ दरबारी नगर थे। सर्वाधिक तरक्की करने वाले नगर शहर जो थे नगर वेनिस व जिनेवा, ठीक देखिए अब यही पर इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि अब इसमें अगर अगला टॉपिक जोड़ेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा इतना समझना है कि जो इटली है, इटली रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और सेंटर था रोमन साम्राज्य का, तो बड़े लंबे समय तक वहां से सारी गतिविधियां संचालित हुई जिसके कारण व्यापारिक उन्नति हुई, व्यापारिक विकास हुआ। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, अरबवासियों का, मंगोलों का, सबका इन सबका आक्रमण हुआ, व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई, लॉर्ड्स जो है वो आ गए और साथ ही साथ पादरियों ने शोषण की गतिविधियां तेज कर दी या फिर राजाओं ने शोषण की, लॉर्ड ने शोषण की गतिविधियां तेज कर दी, तो नगरों का पतन हो गया, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते चले गए। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा समय बीता और दोबारा से उनमें वापस जान आई उस समय जब आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक उन्नति, व्यापारिक उन्नति के साथ साथ आसपास के क्षेत्र जो थे उनमें सांस्कृतिक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव उन पर पड़ा। तो इस तरह से जो इटली था, इटली के नगर पहले से बहुत जीवंत थे लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो समाप्त हो गए थे, मृतप्राय हो गए थे और परिस्थितियां जब दोबारा अनुकूल हुई तो वो पुनः विकसित स्वरूप में अपने आए। सबसे ज्यादा विकसित स्वरूप में जिनेवा और वेनिस आए, ये भी दो शहर जो थे ये गणराज्य थे उस समय इटली के क्षेत्र में और कुछ दरबारी नगर भी उदित हुए, ठीक। तो कुल मिलाकर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां जैसे जैसे तेज होती गई वैसे वैसे इटली में नगरों का उत्थान होता गया और एक समय में पूरी तरह से विकसित स्वरूप में अपने वापस शहर आ गए, ठीक है। तो इसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक जो है मानवतावाद, उसको हम लोग पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय और मानवतावाद। तो उसमें सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ बना, मानवतावाद क्या है, ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिज्म क्या है, इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है एक वीडियो हम लोग का बढ़ जाए लेकिन प्रयास ये रहेगा कि समझते हुए हम लोग चलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई समस्या हो तो संपर्क कीजिएगा।